नालंदा में आज स्मार्ट मीटर के विरोध, जो हम लोगों का जन जागरण सप्ताह है, उसका शुरुआत मुख्यमंत्री जी के जिले से हम लोग करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। प्रशांत किशोर बिहार को एक आज नया पार्टी देने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से प्रशांत किशोर का अग्नि परीक्षा शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने आज से स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभियान की शुरुआत नालंदा से जाकर करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक संकल्प है कि स्मार्ट मीटर को बिहार में हर घर में हम नहीं लगने देंगे। स्मार्ट मीटर के खिलाफ में आज से कांग्रेस पार्टी बिगुल फूंक रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। स्वर्गीय प्रजापति मिश्र जी, जो उनका भी साथ साथ आज जयंती है, और ये तीनों हम लोगों के पुरखे थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, और इस देश को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही, और पूरा दुनिया उनको फॉलो करता है कि सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भगाने का काम किया और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान के नारे के साथ, और उन्होंने पूरा जिंदगी सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर पहल करके चलाया। भारत जिस स्थिति में था, उस स्थिति से निकालने में, खास करके गरीबों को मुख्य धारा में शामिल कराने में उनकी अहम भूमिका रही। स्वर्गीय प्रजापति मिश्र जी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनके आने से यूनिवर्सिटी से, वकालत खाने से लोग निकल कर चिकित्सकों की बड़ी संख्या उनके जुड़ने से स्वतंत्रता आंदोलन में आया। हम सब हमारे पुरखे थे, और उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं, और उनके किए गए कार्यों के और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। राम रहीम को पैरोल मिला है हरियाणा चुनाव के पहले, विधानसभा मतदान से पहले चुनाव पैरोल मिला है 21 दिन का। किसी को पैरोल दिलावे मोदी जी, अमित शाह जी, उनका 2/3 से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस की वहाँ सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार के बाहर जा रही है। प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च कर रहे हैं आज, 2 अक्टूबर है। शुभकामना है, आज़ादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। सिद्धरमैया के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ईडी ने केस दर्ज किया है, सर क्या कहेंगे? उसमें ईडी का ऐसे कोई मामला बनता नहीं है जी, दूर दूर तक, और जिस पे कार्रवाई हुई है सब उसमें साफ साफ पारदर्शी तरीके से कागज पत्तर उपलब्ध कराया है, सीबीआई को दिखाया है, उसके बाद कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें केस ही नहीं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर हल्ला बोलती है, पर सरकार के लोग फैसला कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बिहार के घरों घरों में स्मार्ट मीटर लगना ही लगना, और हम लोगों का संकल्प है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देना है। ये लोगों को चूना लगाने का एक साजिश है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में सरकार काम कर रही है। नीतीश कुमार उनके इशारे पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं, अदानी के दबाव में हैं। इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस घर में बिजली का किराया 1000 रुपये आता था, उसको 4000-5000 किराया आ रहा है। आप लोगों के भी दफ्तर में यही हो रहा होगा, आप लोगों के घरों में भी यही। बाढ़ को लेकर सारे दावे सरकार के फेल होते दिखाई दे रहे हैं, लोगों जिस तरीके से बाढ़ आई है उत्तर बिहार पूरा बाढ़ में। देखिए, पहले भारत सरकार में और 20 साल से लगातार हैं, हमेशा नीतीश कुमार जी बाढ़ से निजात दिलाने की बात करते थे, लेकिन आज स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आधा बिहार बाढ़ के चपेट में है, और वहां उनको कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बिहार के लोग भगवान भरोसे चल रहे हैं। नालंदा में आज स्मार्ट मीटर के विरोध, जो हम लोगों का जन जागरण सप्ताह है, उसका शुरुआत मुख्यमंत्री जी के जिले से हम लोग करने जा रहे हैं। वहाँ पे भारी आंदोलन है, और लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हैं। वहाँ से फ़ोन आ रहा है, सीधे मैं वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ पैदल यात्रा करके उसका शुभारंभ करूँगा, और फिर 5 तारीख को भभुआ में है। भिन्न भिन्न जिलों में अब इसको हम लोग जन जागरण चलाते रहेंगे।